एक व्यूअर ने पूछा है दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ, दिस इज व्हाई, दिस इज वेयर और दिस इज व्हेन का क्या इस्तेमाल है, यानी हमें इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। दैट्स व्हाट का मतलब होता है इसी को तो, जैसा कि आपको पता होगा ब्रदर मीन्स भाई, लेकिन बंगाल में लोग भाई की जगह पर दादा कहते हैं, यानी हम लोग समझते हैं ब्रदर मीन्स भाई, जबकि बंगाली लोग ब्रदर का मतलब दादा कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसी को तो हम दादा कहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल दादा, यानी इसी को तो हम दादा कहते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा किताब, और अगर आपको कहना हो इसी को तो हम बुक कहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स व्हाट वी कॉल बुक, यानी इसी को तो हम बुक कहते हैं। किसी ने कहा पानी, और अगर आपको कहना हो इसी को तो हम वाटर कहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर, यानी इसी को तो हम वाटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वर्ड समझ में आया कि दिस इज व्हाट का मतलब होता है इसी को तो या इसी को, दिस इज हाउ का मतलब होता है इसी तरीके से तो या इस तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसी तरीके से तो मैंने इंग्लिश सीखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज हाउ आई लर्नड इंग्लिश, यानी इसी तरीके से तो मैंने इंग्लिश सीखा। अगर आपको कहना हो इसी तरीके से तो मैंने किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज हाउ आई डीड, यानी इसी तरीके से तो मैंने किया। अगर आपको कहना हो इसी तरीके से तो झगड़ा खत्म हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज हाउ द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, यानी इसी तरीके से तो झगड़ा खत्म हुआ। आइए फ्रेंड्स अब अगला वर्ड देखते हैं। दिस इज वाई का मतलब होता है इसी वजह से तो या इसी कारण से तो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसी वजह से तो मैं वापस आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वाई आई केम बैक, यानी इसी वजह से तो या इसी कारण से तो मैं वापस आया। अगर आपको कहना हो इसी वजह से तो मैं फेल हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वाई आई फेल्ड, यानी इसी वजह से तो या इसी कारण से तो मैं फेल हो गया। अगर आपको कहना हो इसी वजह से तो या इसी कारण से तो वह कामयाबी नहीं पाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वाई ही डिडंट गेट सक्सेस, यानी इसी वजह से तो या इसी कारण से तो वह कामयाबी नहीं पाया। आइए अब सीखें कि दिस इज वेयर क्या है। दिस इज वेयर का मतलब होता है यहीं तो या यहीं पर तो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यहीं तो मैंने उसको देखा था, या यहीं पर तो मैंने उसको देखा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वेयर आई सॉ हिम, यानी यहीं पे तो या यहीं तो मैंने उसको देखा था। अगर आपको कहना हो यहीं पर तो मैंने पढ़ाई लिखाई किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वेयर आई रिसीव्ड एजुकेशन, यानी यहीं पर तो या यहीं तो मैंने एजुकेशन रिसीव किया। यहीं पर तो मैंने एक सांप देखा, या यहीं तो मैंने एक सांप देखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वेयर आई सॉ अ स्नेक, यानी यहीं पर तो या यहीं तो मैंने एक सांप देखा। आइए फ्रेंड्स अब लास्ट में देखें कि दिस इज व्हेन क्या है। दिस इज व्हेन का मतलब होता है इसी टाइम तो या इसी वक्त तो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसी समय तो उसके दादा गुजर गए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज व्हेन हिज ग्रैंडपा डाइड, यानी इसी समय तो उसके दादा गुजर गए। अगर आपको कहना हो इसी समय तो आपने मुझे फोन किया था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज व्हेन यू कॉल्ड मी, यानी इसी समय तो आपने मुझे कॉल किया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सभी वर्ड्स आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक को YouTube पर सबसे पहले मैंने पढ़ाया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।